फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं। जो कुछ भी है हमारा वो भारत माँ को नजर करते हैं। बस्ती के छावनी इलाके में है यह पेड़, जो न जाने कितने सालों से भारत माँ के सैकड़ों सपूतों की कुर्बानियों का भार अपनी टहनियों पर उठाए खड़ा है। इसी पेड़ से लटक कर कई वीरों ने भारत माँ के कदमों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बात सन 1857 की है, जब देश में क्रांति का पहला बिगुल फूंका गया था। तब अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबाने के लिए क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। यह पेड़ उसी बात का जीता जागता सबूत है, क्योंकि इसी की टहनियों पर अंग्रेजों ने 200 से ज्यादा क्रांतिकारियों को जिंदा लटका दिया। 1857 की क्रांति के बाद से पहला अवसर है, देश में सबसे पहला क्रांति तीर्थ है, जहां 200 से ऊपर जिंदा लोगों को वहां टांग दिया गया था और वो तड़प तड़प करके अंग्रेजों के संरक्षण में मरते रहे। और हरैया के हुंडरा कुंवर के भी साहित्यकार बताते हैं कि उस वक्त जो भी क्रांतिकारी अंग्रेजों की पकड़ में आ जाता, उसे छावनी में पीपल के पेड़ पर रस्सी बांध कर लटका दिया जाता था। इसी पीपल के पेड़ के पास एक आम के पेड़ पर भी अंग्रेजों ने न जाने कितने लोगों को फांसी दी। इस पेड़ की मौजूदगी 1950 तक थी और इसका नाम ही फसियावा आम पड़ गया था। रख रखाव नहीं होने से यह पीपल का पेड़ अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उसमें एक सज्जन थे और ऐसे तमाम लोगों के त्याग और बलिदान, महारानी तलाश कुंवरी, राजा उदय प्रताप सिंह, जालिम सिंह और महाराजा शिव गुलाम सिंह पैड़ा, सबके शहीदों से, सबके स्मृतियों से जुड़ा हुआ छावनी है। जबकि छावनी हमारे लिए किसी चारों धाम और कुंभ से बड़ा तीर्थ अगर कोई हो सकता है तो वह छावनी है। लेकिन हमारे यहाँ इतिहासकारों ने, शिक्षाविदों ने, समाजशास्त्रियों ने ऐसा कुछ रच डाला है जो पाश्चात्य और वाम सभ्यता विचारों के नाते की छावनी उपेक्षा, उपहास और घृणा की पात्र हो गई है। एक पीपल का पेड़ खंडहर को चित्रित वहाँ कुछ रह नहीं गया है। 1858 से 1972 तक छावनी शहीद स्थल उपेक्षित पड़ा था। 1972 में शिक्षा विभाग के अधिकारी जंग बहादुर सिंह ने अध्यापकों के प्रयास से एक शिलालेख लगवाया और कई गांव के लोगों से इतिहास संकलन का प्रयास किया। इसी के बाद कई शहीदों के नाम प्रकाश में आए, जिनको शिलालेख पर अंकित किया गया। लेकिन इस स्मारक की दशा आज भी बहुत खराब है। सालों से शहीदों को नमन करता यह पेड़ हमसे चीख चीख कर बस यही कहना चाहता है कि जिनके दम पर आज वतन की सजी हुई ये झांकी है, उनका खून अभी भी कर्जा बनकर हम पर बाकी है।